फेशियल कराने गया था दुल्हा, शादी से पहले हुआ ऐसा कांड, दुल्हन भी हो गई परेशान। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। अचानक खबर मिली कि शादी से पहले दुल्हा गायब हो गया। बताया गया कि घर से फेशियल कराने के लिए दो दिन पहले चचेरे भाई के साथ निकला था, लेकिन उत्तर प्रदेश के इटावा जिले स्थित बसरेहा के खड़कौली एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। अचानक खबर मिली कि शादी से पहले दुल्हा गायब हो गया। बताया गया कि घर से फेशियल कराने के लिए दो दिन पहले चचेरे भाई के साथ निकला था, लेकिन वो दोनों ही वापस अब तक नहीं लौटे। दोनों ही भाई लापता हो गए। शादी वाले घर में अब सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग दूल्हे की खोजबीन में लगे। बसरेहर थाने में परिजनों में दूल्हे की गुमशुदगी की तहरीर दी। इटावा के बसरेहर इलाके खड़कौली गाँव में शादी के घर में सन्नाटा पसरा। किशन नाम का युवक शादी से दो दिन पहले अपने चचेरे भाई के साथ गांव से इटावा शहर फेशियल कराने के बहाने निकला था। तब से दुल्हा किशन व उसके चचेरे भाई का कुछ अता पता नहीं। दुल्हे की बारात आगरा जानी थी। 12 फरवरी से गायब हुए दुल्हे को लेकर घर में सन्नाटा पसरा। दुल्हे के चाचा ने बताया कि किशन लखनऊ के एक 5-स्टार होटल में एसी मैकेनिक का काम करता था। दुल्हे की पसंद से ही रिश्ता तय किया गया था। शादी से पहले सारे कामकाज खुद किशन ने निपटाए। शादी के कार्ड भी किशन ने ही बांटे थे। गांव में भी किसी से रंजिश नहीं। ऐसे में दुल्हा क्यों घर से चला गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वहीं इस बारे में एसपी ग्रामीण सत्यपाल सिंह ने बताया कि परिजनों के द्वारा एक तहरीर बसरेहा थाने पर दी गई थी, जिसके बाद गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया गया था। दुल्हे के चचेरे भाई को चित्रकूट से बरामद कर लिया गया है। हालांकि दुल्हे का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। दुल्हे के चचेरे भाई से पूछताछ जारी है।